दोस्तों, गुजरते दौर के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर ना तो वह पुराना दौर कभी वापस लौट के आएगा, ना पुरानी सड़कें और ना ही उन पर दौड़ती हुई पुरानी गाड़ियां। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कार की जो 60-70 के दशक में सड़कों की रानी हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं एक लंबी सी गाड़ी की जिसका नाम है इम्पाला। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग उस सफर पर जब सड़कों पर इम्पाला कार का राज हुआ करता था। इम्पाला को अमेरिकन ऑटोमेकर ब्रांड शेवरले ने बनाया था 1950 के दशक में। यूएसए में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे फोर्ड, डॉज अपनी बेहतरीन बेहतरीन कारें लॉन्च कर रही थी। उसी समय शेवरले के इंजीनियरों के दिमाग में एक गाड़ी का डिज़ाइन चल रहा था। उस कार का डिज़ाइन पहले पेपर पर बना और उसके बाद उस कार को प्रोडक्शन यूनिट पर चढ़ाया गया और 1958 में एक कार को मार्केट में उतारा गया जो कि थी इम्पाला। मार्केट में आने के बाद लोगों ने इस कार को काफ़ी पसंद किया और देखते ही देखते ये कार एक आइकॉनिक कार बन गई अमेरिका में। और फिर इसके बाद तो इम्पाला कार इतनी पॉपुलर हो गई कि शेवरले को इस कार का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में से भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी थी। इम्पाला कार का नाम अफ्रीका में पाए जाने वाले एक हिरण के नाम पर रखा गया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और फुर्तीला हिरण है, और यही हिरण कार का लोगो भी बना। 1958 में जब इम्पाला कार को लॉन्च किया गया, जब शेवरले ने इसमें 3.9 लीटर 6 सिलेंडर V6 इंजन दिया था जो कि इस कार को हवा से बातें करवा देता था, और यह कार 0 to 100 की स्पीड 10 सेकंड में अचीव करती थी। इम्पाला के इंटीरियर की अगर बात करें तो इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था और इसकी सीट्स भी काफ़ी कम्फर्टेबल थी। स्प्रिंग वाली सीट्स इसमें दी गई थी जो कि लंबे सफ़र में भी थकान नहीं होने देती थी। और इम्पाला के सस्पेंशन सिस्टम का तो क्या ही कहना दोस्तों, ब्रेक्स लगाने पर जैसे गाड़ी आगे पीछे झूल जाया करती थी। और इम्पाला इतनी बड़ी कार थी जिसमें आराम से 4 लोग आगे और 4 लोग पीछे बैठ जाया करते थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस लंबी सी सेडान इम्पाला को शेवरले अपडेट करती गई। इम्पाला को 10 जनरेशन तक बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका में तो ये कार आज भी सड़कों पर दौड़ रही है, पर अब हम बात करेंगे इम्पाला कार का इंडिया में क्या स्टेटस था। इंडिया की बात करें तो इम्पाला कार 60 और 70 के दशक में भारत की सड़कों की शान रहा करती थी, और उस समय इम्पाला कार को यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट कराया जाता था इंडिया के लिए। और उस समय कुछ चुनिंदा कार्स जैसे कि फिएट पद्मिनी, हिंदुस्तान एम्बेसडर इसके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। लेकिन गाइज, इम्पाला तो इम्पाला ही थी। सन 60 और 70 के दशक में कार होना ही एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इम्पाला कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी पहली कार रही है। संगीत की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की भी इम्पाला कार पहली कार रही थी जिसके साथ उन्होंने अपनी एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी। और दोस्तों, इम्पाला को बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले सर अमिताभ बच्चन ने भी डॉन, अदालत, काला पत्थर, शहंशाह जैसी हिट फिल्मों में चलाया है। ना ही अमिताभ बच्चन साहब बल्कि और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे राजेश खन्ना साहब, धर्मेंद्र, देवानंद साहब ने इस कार को रखा है। राजेश खन्ना साहब की हाथी मेरा साथी, धर्मेंद्र साहब की ड्रीम गर्ल, जीवन मृत्यु, देवानंद साहब की वारंट मूवी में भी आप इस कार को देख सकते हैं। गाइज, अगर हम 90s के दशक में जाएं तो इम्पाला कार को स्क्रैपयार्ड में भी देखा जा सकता है, पर आज इम्पाला दोस्तों क्लासिक की कैटेगरी में आ चुकी है और कुछ शौकीन लोगों ने इस कार को संभाल कर रखा है। और आज अगर ये कार सड़क पर दिख जाए तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इस कार को मुड़कर ना देखे। और दोस्तों, हिंदुस्तान कॉन्टेसा को हम इम्पाला से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान कॉन्टेसा में भी इम्पाला की झलक दिखती है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने कभी इम्पाला कार की सवारी की है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, प्लीज़ आप हमारा ब्लॉग भी विजिट करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज़।